कायुतिरुवा, उनके मन की बात से सबका मन जीतने वाला विश्व के भूपट में भारत को एक बलिष्ठ राष्ट्र आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम सबको मार्गदर्शन करें। ನಿಮಗೆಲ್ಲಾ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಆಜ್ ಚೈತ್ರ ನವರಾತ್ರ ಕೆ ಪಾವನ್ ಅವಸರ ಪರ್ ಮುಜೆ ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಲೇನೆ ಕಾ ಅವಸರ ಮಿಲ್ ರಹಾ ಹೈ. मैं ताई चामुंडेश्वरी, ताई भुवनेश्वरी और ताई कावेरी के चरणों में प्रणाम करता हूं। मैं सबसे पहले आदरणीय देवगौड़ा जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आज भारत के राजनीति के पटल पर सबसे सीनियर मोस्ट राजनेता है और उनके आशीर्वाद प्राप्त करना ये भी एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। उन्होंने आज जो बातें बताई काफी कुछ मैं समझ पाता था, लेकिन मैं हृदय से उनका बहुत आभारी हूं। साथियों, मैसूरु और कर्नाटका की धरती पर शक्ति का आशीर्वाद मिलता, यानी पूरे कर्नाटका का आशीर्वाद मिलना, इतनी बड़ी संख्या में आपकी उपस्थिति कर्नाटका की मेरी माताओं बहनों की उपस्थिति ये साफ बता रही है कि कर्नाटका के मन में क्या है। पूरा कर्नाटका कह रहा है फिर एक बार। साथियों, आज का दिन इस लोकसभा चुनाव और अगले 5 ईयर के लिए एक बहुत अहम दिन है। आज ही बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है। ये संकल्प पत्र मोदी की गारंटी है और देवगौड़ा जी ने भी गारंटी का उल्लेख किया है। ये मोदी की गारंटी है कि हर गरीब को अपना घर देने के लिए 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। ये मोदी की गारंटी है कि हर गरीब को अगले 5 ईयर तक फ्री राशन मिलता रहेगा। ये मोदी की गारंटी है कि 70 ईयर की आयु के ऊपर के हर सीनियर सिटीजन को आयुष्मान योजना के तहत फ्री चिकित्सा मिलेगी। ये मोदी की गारंटी है कि हम 3 करोड़ महिलाओं को
लखपति दीदी बनाएंगे। ये गारंटी कर्नाटक के हर व्यक्ति का, हर गरीब का जीवन बेहतर बनाएगी। साथियों, आज जब हम 10 ईयर्स पहले के समय को याद करते हैं तो हमें लगता है कि हम कितना आगे आए हैं। डिजिटल इंडिया ने हमारे जीवन को तेजी से बदला है। बीजेपी का संकल्प पत्र अब भविष्य के और बड़े परिवर्तनों की तस्वीर है। ये नए भारत की तस्वीर है। पहले भारत खस्ता हाल सड़कों के लिए जाना जाता था, अब एक्सप्रेस वे भारत की पहचान है। आने वाले समय में भारत एक्सप्रेस वे, वाटरवे और एयरवेज के वर्ल्ड क्लास नेटवर्क के निर्माण से विश्व को हैरान करेगा। 10 साल पहले भारत टेक्नोलॉजी के लिए दूसरे देशों की ओर देखता था। आज भारत चंद्रयान भी भेज रहा है और सेमीकंडक्टर भी बनाने जा रहा है। अब भारत विश्व का बड़ा इनोवेशन हब बनकर उभरेगा, यानी हम पूरे विश्व के लिए सस्ती मेडिसिन, सस्ती टेक्नोलॉजी और सस्ती गाड़ियां बनाएंगे। भारत वर्ल्ड का रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D हब बनेगा और इसमें वैज्ञानिक रिसर्च के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए के फंड की भी बड़ी भूमिका होगी। कर्नाटक देश का IT और टेक्नोलॉजी हब है। यहां के युवाओं को इसका सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा। साथियों, हमने संकल्प पत्र में स्थानीय भाषाओं को प्रमोट करने की बात कही है। हमारी कन्नड़ा देश की इतनी समृद्ध भाषा है, बीजेपी के इस मिशन से कन्नड़ा का विस्तार होगा और उसे बड़ी पहचान मिलेगी। साथ ही हमने विरासत के विकास की गारंटी भी दी है। हमारे कर्नाटक के मैसूरु, हम्पी और बादामी जैसी जो हेरिटेज साइट्स हैं, हम उनको वर्ल्ड टूरिज्म मैप पर प्रमोट करेंगे। इससे कर्नाटक में टूरिज्म और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। साथियों, इन सारे लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भाजपा जरूरी है, NDA जरूरी है। NDA जो कहता है वो करके दिखाता है।
आर्टिकल 370 हो, तीन तलाक के खिलाफ कानून हो, महिलाओं के लिए आरक्षण हो या राम मंदिर का भव्य निर्माण। भाजपा का संकल्प मोदी की गारंटी होता है और मोदी की गारंटी को सबसे बड़ी ताकत कहां से मिलती है? सबसे बड़ी ताकत आपके एक वोट से मिलती है। आपका हर वोट मोदी की ताकत बढ़ाता है। आपका हर एक वोट मोदी की ऊर्जा बढ़ाता है। साथियों, कर्नाटक में तो एनडीए के पास एचडी देवेगौड़ा जी जैसे वरिष्ठ नेता का मार्गदर्शन है। हमारे पास येदियुरप्पा जी जैसे समर्पित और अनुभवी नेता है। हमें एचडी कुमार स्वामी जी का सक्रिय सहयोग है। इनका ये अनुभव कर्नाटक के विकास के लिए बहुत काम आएगा। साथियों, कर्नाटक उस महान परंपरा का वाहक है जो देश की एकता और अखंडता के लिए अपना सब कुछ बलिदान करना सिखाता है। यहां सुत्तूर मठ के संतों की परंपरा है। राष्ट्र कवि कुवेंपु के एकता के स्वर है। फील्ड मार्शल करियप्पा का गौरव है और मैसूर के राजा कृष्णराज वाड़िया के द्वारा किए गए विकास कार्य आज भी देश के लिए एक प्रेरणा है। ये वो धरती है जहां कोड़गों की माताएं अपने बच्चों को राष्ट्र सेवा के लिए सेना में भेजने के सपना देखती है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी है। कांग्रेस पार्टी आज टुकड़े टुकड़े गैंग की सुल्तान बनकर घूम रही है। देश को बांटने, तोड़ने और कमजोर करने के कांग्रेस पार्टी के खतरनाक इरादे आज भी वैसे ही है। आर्टिकल 370 के सवाल पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि कश्मीर का दूसरे राज्यों से क्या संबंध, और अब तो कांग्रेस देश से घृणा की सारी परंपरा सीमाएं पार कर चुकी है। कर्नाटक की जनता साक्षी है कि जो भारत के खिलाफ बोलता है कांग्रेस उसे पुरस्कार में चुनाव का टिकट दे देती है। और आपने हाल में एक और दृश्य देखा होगा, कांग्रेस की चुनावी रैली में एक व्यक्ति ने भारत माता की जय के नारे लगवाए।
इसके लिए उसे मंच पर बैठे नेताओं से परमिशन लेनी पड़ी। क्या भारत माता की जय बोलने के लिए परमिशन लेनी पड़े? कांग्रेस को देश माफ करेगा? ऐसी कांग्रेस को कर्नाटक माफ करेगा? ऐसी कांग्रेस को मैसूरी साफ करे माफ करेगा? पहले वंदे मातरम का विरोध और अब भारत माता की जय कहने तक से चीड़, ये कांग्रेस के पतन की पराकाष्ठा है। साथियों, आज कांग्रेस पार्टी सत्ता के लिए आग का खेल खेल रही है। आज आप देश की दिशा देखिए और कांग्रेस की भाषा देखिए। आज विश्व में भारत का कद और सम्मान बढ़ रहा है। बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? दुनिया में भारत का नाम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? भारत का गौरव बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? हर भारतीय को दुनिया गर्व से देखती है कि नहीं देखती है? तो कांग्रेस के नेता विदेशों में जाकर देश को नीचा दिखाने के